नमस्कार, घमासान डॉट कॉम के खास कार्यक्रम दे दनादन में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश राठौर। आज हम आपको बताते हैं कि देश के राजनेता कितने मतलबी स्वार्थी होते हैं। मध्य प्रदेश में अभी जो घटनाक्रम चल रहा है विधायकों की खरीद फरोख्त का, वो बहुत ही शर्मनाक है। जिस नेता के ऊपर मतदाता भरोसा करता है और उसको विधानसभा लोकसभा में पहुंचाता है, उसको ये उम्मीद रहती है कि हमारी बात ये सरकार तक पहुंचाएंगे, हमारे इलाके का विकास करेंगे। लेकिन देखने में आता है कि कई राज्यों में जब राजनीतिक संकट पैदा होता है तो विधायक बिकने के लिए तैयार होते हैं। आखिर कब तक बिकेंगे विधायक सांसद? आखिर कब तक होगा ऐसा राजनीति में? राजनीति के मेंढक कब तक ऐसे ही उछल कूद करते रहेंगे? क्या जनता हाथ मसलती रहेगी? क्या जनता के हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा? क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि राजनीतिक में जब भी इस तरह के उठापटक होती है तो उस समय जनता के हाथ में भी कोई ना कोई अधिकार होना चाहिए? क्या देश का लोकतंत्र, क्या देश का प्रजातंत्र इस बात की इजाजत मतदाताओं को देगा कि जिसके ऊपर भरोसा करके हमने संसद और विधानसभा तक पहुंचाया है, वो आखिरी दम तक अपने कार्यकाल तक ईमानदारी के साथ जनता की सेवा करता रहे, ना कि बिकने के लिए तैयार हो? कितनी दुर्भाग्य की बात है कि जो नेता दूसरों के बिकने की बुराई करते हैं, दूसरों के बिकने को लेकर आरोप प्रत्यारोप करते हैं और खुद एक दिन तराजू में बैठकर अपना वजन तोलकर बोली लगाने के लिए आमादा हो जाते हैं। मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार रहे न रहे ये अलग विषय है, लेकिन कितने दुर्भाग्य की बात है कि मध्य प्रदेश के कांग्रेस और बीजेपी के विधायक जिस तरह से बिकने को तैयार हुए हैं, उससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है, कहीं ना कहीं कोई दाल में काला है। भले 25 करोड़ ना हो, 35 करोड़ ना हो, भले ही 5-10 करोड़ हो, भले ही विधायक अपने रेती और गिट्टी की खदानें बचाने के लिए दल बदलते हों, भले ही नेता अपने स्वार्थ के लिए दल बदलते हों, लेकिन आखिर इस देश में ये कब तक चलता रहेगा? इस मध्य प्रदेश के राजनीतिक घटनाक्रम के बाद ये बहस आम जनता में छिड़ गई है। क्या आम जनता को सोशल मीडिया पर इस तरह का प्लेटफॉर्म तैयार करना चाहिए कि कोई भी विधायक और सांसद या पार्षद या निर्वाचित जनप्रतिनिधि 5 साल तक किसी और दल में ना जाएं अपने स्वार्थ के खातिर? आखिर ऐसा कब हुआ? मुझे याद नहीं पड़ता कि आजादी के बाद कोई एक ऐसा राजनेता हुआ हो जिसने जनता की समस्या हल नहीं होने पर वास्तव में ईमानदारी से इसी कारण से दल बदला हो। अभी तक जितना भी बदलाव हुआ है, वो कर्नाटक हो, उत्तर प्रदेश हो या कोई भी राज्य हो, जहां जहां ये सब गड़बड़े हुई है, तो ये देखने में आता है कि विधायक और सांसद करोड़ों रुपए लेकर बिक जाते हैं। उनकी जनता के प्रति जवाबदेही उस समय नहीं दिखाई देती। आखिर ये कब तक चलेगा इस बात को लेकर जब अलग अलग लोगों से हमने बात की तो लोगों का यह कहना था कि वाकई केंद्र सरकार को ऐसा कोई कानून बनाना चाहिए या भारत निर्वाचन आयोग को ऐसा कोई कानून बनाना चाहिए कि जिस दल से जो जनप्रतिनिधि निर्वाचित होता है, जिस दल के सिंबल के आधार पर चुनाव लड़ता है, उस दल में उसे अनिवार्य रूप से 5 साल तक रहना पड़ेगा या जब तक लोकसभा या विधानसभा भंग न हो जाए तब तक उसे उसी दल में रहना पड़ेगा। दूसरे दल की मान्यता उसको नहीं मिल पाएगी, दूसरे दल में वो नहीं जा सकता, फिर भले ही कुछ भी हो जाए। या जनप्रतिनिधियों को इस तरह का बर्ताव करने पर जनता कैसे सबक सिखा सकती है, ये भी देखना चाहिए। क्या रिकॉल वाली बात जो बीच में उठी थी, उस तरह का मामला लोकसभा और विधानसभा के लिए भी हो सकता है क्या? यदि कोई विधायक और सांसद दल बदलता है और उसके क्षेत्र की जनता चाहती है कि उसने बीजेपी, कांग्रेस, सपा, बसपा या किसी दल के कारण उस व्यक्ति को टिकट वोट दिया था, तो अब वो आस्था कैसे बदल सकता है? ऐसे विधायक और सांसदों के पद खतरे में आखिर कब आएंगे? आखिर कब तक इन विधायकों की बोली और लगना बंद नहीं होगी? कब तक ऐसा ये चलता रहेगा कि सांसद और विधायक बिकते रहेंगे और जनता ठगाती रहेगी? राजनीतिक मेंढक कब तक उछल कूद करते रहेंगे? आज हम ये विषय आम जनता के लिए बहस के लिए छोड़ते हैं।
आगे हम और इस विषय पर बात करेंगे और लगातार बात करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद, आप देखते रहिए घमासान.com। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।